ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा, लाइफ में कितना भी ट्राई करूँगा नहीं, कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है। तो हमारा वो कुछ है स्विट्ज़रलैंड का लॉटरब्रुन टाउन। शायद ही कोई स्विट्ज़रलैंड आके उसे मिस करना चाहेगा, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उतना ही खूबसूरत है हमारा ये होम स्टे। तो हमने सोचा उस चीज़ को, लॉटरब्रुन को स्किप करते हैं और यहाँ रह के आज का ये दिन इस होम स्टे में स्पेंड करते हैं। स्विट्ज़रलैंड मुझे ऐसा लगा कि ये बिल्कुल उत्तराखंड जैसा है, बिल्कुल वैसे ही पहाड़ हैं और वैसे ही घास उगती है यहाँ पे, वैसे ही पेड़ हैं, लेकिन एक डिफरेंस है, वो है सफाई का। यहाँ पर कहीं पर पॉलीथीन, गंदगी, कूड़ा नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा, नहीं उत्तराखंड में नहीं, पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा गंदगी है, क्योंकि शायद हम लोग बहुत ज़्यादा केयरलेस हैं। लेकिन एक सफाई एक ऐसी चीज़ है ना, जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है। कितना कठिन है, आप कुछ खा रहे हो उसका रैपर उठा के अपने पॉकेट में रख लो और जहाँ पे डस्टबिन दिख रहा है वहाँ पे फेंक दो। इससे आसान चीज़ कुछ और हो नहीं सकती है। आई डोंट नो क्यों हम इतने लापरवाह हो जाते हैं और इतनी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं। ऑल दो आई हेट गिविंग द हाउस टूर, लेकिन ये घर इतना प्यारा है कि मैं आपको आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो गाइस, घर तो आपने देख ही लिया होगा कितना खूबसूरत है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत ही स्पेशल हैं, जैसे कि ये। तो देखो, ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये एक नॉर्मल पेंटिंग है, लेकिन अगर आप गौर से देखोगे, आप देखोगे कि इसमें जो फूल हैं वो असली फूल हैं और उनको ऐसे चिपका के फिर ग्लास में से फ्रेम किया हुआ है। और जो चीज़ सबसे ज़्यादा स्पेशल है इस घर की, वो है ये इस घर की अंगेठी है। मैं बताता हूँ ये कैसे काम करती है। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि कोई ड्रॉर वगैरह होगा। तो सबसे पहले देखिए, जो धुआं बाहर से निकलेगा वो यहाँ से निकलता है बाहर। तो अगर मैं इसको ऐसे ओपन करूँ तो आप यहाँ से देखोगे कि उधर को एक ओपनिंग है। तो यहाँ पर आप कुछ भी, जैसे जो भी हमने अभी अंडे वगैरह खाए तो उसके आप कागज वगैरह यहाँ डाल सकते हो। यहाँ से आपको, मतलब आप अगर लकड़ी वगैरह डाल रहे हो तो आप यहाँ से डाल सकते हो। और फिर नीचे ये बटन है जिससे आप एयर फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर राख इकट्ठा होगी, और जब राख भर जाती है तो आप इसे पुल करके राख बाहर फेंक के दोबारा फिर राख जला सकते हैं। और जो सबसे नीचे वाला कंपार्टमेंट है उसमें लकड़ियाँ रखी हुई हैं। और तीसरा क्या है कि ये एक पैन जैसा है, तो जब यहाँ पे सर्दियों में आग जल रही है तो यहाँ पर आप कुछ भी बर्तन रख के पानी वानी उबाल सकते हैं, या ये ऑमलेट या कुछ भी रोटी वगैरह बनाना है तो आप इसमें बना सकते हैं। जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो ये जो चिमनी है वो कॉमन है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है ये, ये है गरीबों का रिक्लाइनर। और जो चीज़ मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ उसे देख के आपको अपने बचपन की याद आ जाएगी और याद आ जाएगी भूतों की। तो वो है ये, आपने देखी मूवी, लेकिन आप डर गए थे एनाबेल देखने में, चिल्ला गए। और जो एक अलग चीज लगी मुझे वो है ये तकिया। ये तकिया इतना बड़ा है कि इसने आधा बिस्तर घेर लिया है, बहुत ही बेकार। और ऐसा है कि इसे दबाओगे ना तो पूरा ही घुस जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिक चीज है इस घर की, वो है टेबल। इसमें बाहर लकड़ी है और अंदर ये पत्थर है। दाढ़ी भी तो इतनी बड़ी है, दाढ़ी, ये दाढ़ी, इतनी बड़ी दाढ़ी रख रही है। चाट रहे हो? क्या हो गया, मैं पैर में क्या लगा दिया? चलो पाँव पढ़ो, चलो पाँव पढ़ो, नमस्ते बोलो, चलो पाँव पढ़ो, बड़े हो जाना, खूब बड़े हो जाना, ठीक है, खूब सारी गाजर खाना।
कि सूप वाली खाओगे या सूखी? सूप। ये सूख गई है। Does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. आप चाहे किसी भी पहाड़ में जाओ, मैगी तो बनती है। तो गाइस, पूरा दिन घर में गनेल बनने के बाद हमने सोचा थोड़ा सा पाँव को तकलीफ देते हैं और थोड़ा सा ट्रैक करते हैं, लेकिन वो ट्रैक बहुत ही ज़्यादा लंबी और बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गई। तो 2 घंटा कंटिन्यूस ट्रैक करने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे। बहुत ही प्यारी जगह है, यहाँ से हमारा होम स्टे दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, उन 2 पहाड़ियों के बीच वहाँ पर वो एक्चुअली वो हमारा होम स्टे नहीं है। हमारा होम स्टे है ये जो नीचे पास में है, और एक गनेल तो ऊपर आ गया, दूसरा गनेल वो खड़ा है। यहाँ पे कुछ देर बैठते हैं, मज़ा लेते हैं स्विट्ज़रलैंड की वादियों का। जल्दी मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।